नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि इस बार जब प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया है तो इस बार भाजपा जनता को निराश न करे। डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, महंगाई का सवाल वैसा ही है। सपा व गठबंधन हारा नहीं है, वोट बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कश्मीर फाइल से जो पैसा हो रहा है उसके मुनाफे से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर खर्च होना चाहिए, इसके लिए कमेटी का गठन होना चाहिए। कहा कि यह समय ईवीएम पर बहस का नहीं है, प्रदेश में बहुत सारी जगह काउंटिंग रोक दी गई। सपा सुप्रीमो अखिलेश ने कहा कि एमएलसी चुनाव बड़ी चुनौती है, इसमें प्रशासन से भी लड़ना है। एमएलसी चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर यादव न लिखे जाने के सवाल पर कहा कि भाजपा यदि जातिवादी राजनीति करे तो वह सोशल इंजीनियरिंग है, जबकि जब सपा करती है तो वह जातिवादी। वाले समय में जितने भी गठबंधन हमारे साथी हैं सब साथ रहेंगे। अच्छा, और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि हर वर्ग को और जोड़ें। इस बार हम लोगों ने जोड़ा, हर वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया, आने वाले समय में और हम लोग जोड़ करके कम से कम पार्टी का परसेंटेज जो वोट कैसे और बढ़े आगे ले जाएंगे। सर, जो पिछला आपका बयान था जिसमें आपने कहा था कि पश्चिम में हमारा काफी रहा समर्थन, लेकिन नतीजे उसे प्रतिसाद नहीं, अगर आप नतीजों को देखोगे 1,00,000 वोट पा करके, आप मुरादाबाद का देखिए 1,47,000 वोट पाने वाला, काउंटिंग रोक दी गई 2.5 घंटे, उसके 700 से दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया गया। नेटवर्क का आप देखिए, आप धामपुर का रिजल्ट देखिए, तो मैं कई ऐसे परिणाम बता सकता हूँ कि परिणाम क्या हुए हैं। ओबीसी फैक्टर सर काम किया है क्या? देखिए, स्वाभाविक है, कोई प्रत्याशी किसी पार्टी का लड़ेगा तो कुछ ना कुछ वोट पाएगा, सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपना क्या था कि संविधान बचे, बाबा साहब का सपना क्या है कि लोकतंत्र से हमारा देश चले, संविधान से देश चले, उन्होंने क्या किया? सुनने में तो ये आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को, जो हर मौके पर मैंने कहा कि समाजवादियों को अब अम्बेडकर वादियों को साथ लेना पड़ेगा और अम्बेडकर वादियों को साथ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।